Good morning, dear students. So today we are going to revise a topic called punctuation marks. So basically, punctuation marks, how can we define it? Punctuation marks are sign and symbols of the English language. Basically, जो sign और symbol होते हैं English भाषा के, वो उसको बोलते हैं हम punctuation marks. तो सबसे पहला punctuation marks जो अपन सीखेंगे वो है the comma. Comma कैसा होता है? It's like that, a dot and a small line below it. So इसके rules क्या है, comma लगाने के rules क्या होते हैं वो पहले पढ़ेंगे और इसके साथ साथ we'll see the examples. Alright, so the first rule is use to pause before proceeding. कोई भी sentence में अगर अपन को एक pause चाहिए, हल्का सा stop चाहिए, तो अपन comma लगाए. Second rule, to add a related phrase. कोई भी सेंटेंस में कोई अलग सेंटेंस जोड़ना हो तो उसके बीच में एक कॉमा लगाया जाता है. थर्ड इज़ टू सेपरेट आइटम्स इन अ सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस में अगर अपन को वर्ड्स अलग अलग दिखाने हैं तो उसमें भी कॉमा लगाया जाता है. फोर्थ रूल स्टेट्स इट्स यूज्ड व्हेन वन और मोर एडजेक्टिव्स आर प्रेजेंट. जब सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स प्रेजेंट हो तब अपन कॉमा यूज़ करते उसको अलग अलग दिखाने के लिए. और ज़्यादा समझने के लिए अपन एग्जांपल्स देखेंगे. सो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल का एग्जांपल नंबर वन में दिया है. यूज टू पॉज बिफोर प्रोसीडिंग. द बॉय पॉज हु न्यू दैट हिज मदर वॉज अराइविंग पॉज रैन क्विकली टूवर्ड्स द डोर. सो छोटा सा पॉज है इसलिए अपन कॉमा लगाते हैं, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे. सेकंड रूल था टू ऐड अ रिलेटेड फ्रेज. ये हु न्यू दैट हिज मदर वॉज अराइविंग एक फ्रेज है तो उसका ऐड करने के लिए अपन ने कॉमा यूज़ किया. नाउ थर्ड इज़ टू सेपरेट आइटम्स इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, टॉम हैड बॉट वेजिटेबल्स कॉमा चिप्स कॉमा मिल्क कॉमा सीरियल्स एंड डिटर्जेंट फ्रॉम द मार्केट. तो आइटम्स को सेपरेटली दिखाने के लिए वी यूज़ कॉमा. फोर्थ रूल स्टेट्स यूज व्हेन वन और मोर एडजेक्टिव्स आर प्रेजेंट. द स्टूडेंट्स वर हैप्पी एक्साइटेड एंड फुल ऑफ एनर्जी एट द स्टार्ट ऑफ देयर वेकेशंस. सो हियर वी कैन सी एडजेक्टिव्स हैप्पी एक्साइटेड एंड फुल ऑफ एनर्जी. सो टू सेपरेट देम वी यूज कॉमा. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमा. नाउ वी आर गोइंग अहेड विद द फुल स्टॉप. So what is full stop? You will understand. Full stop, the sign is this way. So the rules to apply full stop is to end a sentence. जब कोई भी सेंटेंस को अपन को एंड करना हो ऐसे तो अपन फुल स्टॉप अप्लाई करते हैं. सेकेंड रूल है, ऐसे तीन फुल स्टॉप दिए होते हैं, 1, 2, 3. टू इंडिकेट. टू इंडिकेट मीन्स जैसे गाड़ी में इंडिकेटर होता है, लेफ्ट इंडिकेटर मतलब लेफ्ट जा रही है गाड़ी, राइट इंडिकेटर मतलब राइट जा रही है गाड़ी. So to indicate where few words have been omitted. ये तीन full stops तब लगाया जाता है जब थोड़े शब्द को अपन हटाना चाहते हैं. अभी आगे example से समझेंगे अपन. Third rule is to indicate abbreviation. जब कोई बड़ा word को छोटा करना हो तब अपन full stop का use करते हैं. Now let's see examples. Example, the boy was happy. Full stop, full stop, full stop. At the start of his vacation. तो यहाँ पे दो चार वर्ड्स है उसको अपन ने स्किप कर दी है, इसकी जगह अपन ने तीन डॉट्स लगा दिए. थर्ड एग्जाम्पल, सितंबर. अब सितंबर बड़ा सा वर्ड है, उसको छोटा लिखने के लिए अपन SEPT फुल स्टॉप लिखेंगे. ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट फुल स्टॉप. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एक्सक्लेमेशन मार्क. So this is how an exclamation mark should look like. Alright, so what are the rules of exclamation mark? We'll see. First rule is use when feelings are expressed in a sentence. जब कोई भी भावना या feelings को अपन बताते हैं sentence में तब अपन exclamation mark use करते हैं. For example, ha ha ha, ये हंसने की आवाज़ है तो इसमें exclamation mark use हो रहा है. Another example is wow. जब अपन किसी चीज़ को admire करते हैं, wow! Exclamation mark, what a car!
Alright. Now, here the sentence says, in exclamation mark, one does not need a full stop. Exclamation mark जब end में आता है तो उसमें full stop लगाने की ज़रूरत नहीं होती. Alright. So next punctuation mark we are going to study is the question mark. Question mark looks like this. So the rule for this mark is when a sentence is asking a question, this is used. Alright. जब कोई भी sentence प्रश्न पूछ रहा है तब अपन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इज द शॉप ओपन टुडे? क्वेश्चन मार्क. क्या दुकान खुली है? क्वेश्चन मार्क. इसमें भी सेम रूल है, इन क्वेश्चन मार्क वन डज नॉट नीड अ फुल स्टॉप. क्वेश्चन मार्क जब आता है तब उसमें फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट साइन इज द सेमी कॉलन. सेमी कॉलन लुक्स लाइक दिस. बेसिकली सेमी कॉलन इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पंक्चुएशन मार्क्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इसको कहाँ किधर लगाना है वो कई बार लोगों को समझ नहीं आता. तो लेट्स सी कैसे लगाया जाता है इसको. यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स. ये तीन वर्ड है, इसके बाद यूजली लगाया जाता है. वो वर्ड्स है नेमली, देयरफॉर, हाउएवर. दीज आर फ्यू एग्जांपल देखेंगे इसके. देयर आर फ्यू कंट्रीज इन एशिया, नेमली सेमीकॉलन चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान. Another example, John studied hard for the math exam, therefore, semicolon, he got an A. Alright, so this is all about semicolon. Ab semicolon to kar liya, now this is about colon. Now what is colon? Colon looks like this, two dots over here. So colon is used for headings or subjects or title. जब भी कोई भी अपन टाइटल या हेडिंग या सब्जेक्ट डाल रहे होते हैं उसके बाद सेमी कॉलन कॉलन यूज़ किया जाता है. एग्जांपल देख लेंगे. सब्जेक्ट कॉलन मैथ्स, टॉपिक कॉलन एनवायरनमेंट. बेसिकली कॉलन दो वर्ड्स को सेपरेटली दिखाता है और इनका मीनिंग भी सेपरेट होते हैं. ऑलराइट. अनदर पंक्चुएशन मार्क इज अपोस्ट्रोफी. It is also called the inverted comma in the English language. This is an apostrophe. So, what is the rule for an apostrophe? It is used to indicate belongingness or to indicate omitted letter. जब किसी की वस्तु हो या किसी की चीज़ है उसको बताने के लिए ये चीज़ उसकी है या इसकी है तब अपन apostrophe यूज़ करते हैं. टू इंडिकेट ऑमिटेड लेटर्स. जब कभी कभार लेटर्स, लेटर मतलब अक्षर, जैसे ए हो गया, पी हो गया, एल हो गया, जब वो अपन को स्किप करने हो तब अपन अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द गर्ल्स हैट. जब अपन बता रहे हैं कि ये टोपी उस लड़की की है, उस लड़की की है, तो अपन इंग्लिश में गर्ल अपोस्ट्रोफी एस लगाए ये लगाएंगे. दिस इज द गर्ल्स हैट. और जैसे सेकंड रूल था टू इंडिकेट ऑमिटेड लेटर्स. जब कोई लेटर्स स्किप करने हो तो अपन अपोस्ट्रोफी लगाते हैं. लाइक इट इज. इट इज़ को शॉर्ट फॉर्म में अपन इट्स लिख सकते हैं अपोस्ट्रोफी यूज़ करके. ऑलराइट. इज इट नॉट, इसको अपन इजंट यूज़ कर सकते हैं. वी आर, अपन वी अपोस्ट्रोफी आर ई यूज़ कर सकते हैं. वी आर. ऑलराइट. सो नेक्स्ट इज द कोटेशन मार्क. नाउ व्हाट इज कोटेशन मार्क? जब कोई व्यक्ति बोलता है तब उसके स्पीच में अपन ये कोटेशन मार्क लगाते हैं. द अदर वर्ड्स फॉर कोटेशन मार्क इज डबल कोट्स. ऑलराइट. नाउ व्हेन टू मार्क आउट स्पीच. जब कोई भी स्पीच दे रहा होता है तब अपन ये वाला मार्क यूज़ करते हैं. और व्हेन कोटिंग समवन स्पीच. जब अपन किसी के शब्द रिपीट करते हैं तो अपन कोटेशन मार्क लगाते हैं. ऐसा समझ नहीं आएगा, वील अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल और द फर्स्ट रूल इज जॉय डोंट डू दैट. तो अब कोई बोल जाए तो जब बोलते हैं तब अपन ये लगाते हैं अपोस्ट्रोफी. नेक्स्ट इज टेक आउट योर बुक्स, सेड द क्लास टीचर. सो इसमें क्लास टीचर कह रही है टेक आउट योर बुक्स. तो टीचर ने जो बोला उसके लिए अपन के कोटेशन मार्क लगाएंगे. ऑलराइट. ओके.
Now next is the hyphen. What is hyphen? Hyphen looks like a dash. Okay? So what is the rule of hyphen? It is to link words together. जब दो वर्ड या तीन वर्ड उसको लिंक करना हो तब अपन हाइफन साइन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल नॉन हाइफन वर्बल, नॉन वर्बल, सब हाइफन पार्ट, सब पार्ट, वीक हाइफन एंड वीकेंड. ऑलराइट, अनदर वन वी लुक एट इज द ब्रैकेट्स. व्हाट आर ब्रैकेट्स? ब्रैकेट्स लुक लाइक दिस. ऑलराइट, सो व्हेन आर दे यूज्ड? टू मेक अ पॉइंट इन द सेंटेंस which is a part of the sentence. जब अपन को कोई पॉइंट ऐड करना हो सेंटेंस में या कुछ बताना हो पर्टिकुलर वर्ड के बारे में, देन वी यूज द ब्रैकेट्स. वील सी द एग्जाम्पल. ही स्टोल हर पेन. नाउ वॉट काइंड ऑफ पेन? ब्रैकेट ग्रीन, ग्रीन पेन यस्टरडे. ही स्टोल हर पेन यस्टरडे. विच पेन? ग्रीन पेन यस्टरडे. सो द लास्ट पंक्चुएशन मार्क वी आर गोइंग टू स्टडी इज द स्लैश. Slash is also called a stroke. Alright, so when is it used? It is used instead of the word or. जब or word होता है उसकी जगह अपन slash यूज कर सकते हैं. Alright, for example, he or she has to appear before the judge. Another example, you may use black or blue pen. So instead of or, you can use this slash. Alright, this is all about punctuation marks. Okay, so students, आपको homework दिया जाएगा. आप उसको copy में लिख के उसके answers लिख के submit कर देना है, और अच्छे writing में date लगा के उस questions को copy करके उसके answers आपको लिखने हैं and आपको submit करना है. Alright. So I'll send you the homework separately. So students, this is your homework exercise. Please remember, you have to copy this in your new session copies. All right? मतलब आपके नए वाले क्लास के कॉपी में आपको क्वेश्चन लिखना है और आंसर देना है. So the questions are MCQs. ये काफ़ी सारे questions MCQ में है. सो उसमें आपको सही आंसर के सामने टिक मार्क लगाना है, और ये जो अंडरलाइन है उसके ऊपर आपको आंसर लिखना है. ऑलराइट, और क्वेश्चंस, एक लास्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ. इस पैराग्राफ में यू हैव टू यूज पंक्चुएशन साइंस. इस पैराग्राफ में आपको जहाँ भी पंक्चुएशन साइंस है वो लगाने हैं, जैसे कॉमा होगा, फुल स्टॉप होगा, अपोस्ट्रोफ होगा, कैपिटल लेटर्स किधर आते हैं, किधर लगाने हैं. ठीक है, तो ये आपको पैराग्राफ लिखना है और इसमें पंक्चुएशन मार्क्स लगा के आपको सबमिट करना है. ओके, एंड द होमवर्क विल बी पोस्टेड एट द एंड ऑफ योर वीडियो. सो रिमेंबर टू पुट ऑन टुडेज डेट एंड कंप्लीट योर होमवर्क.